आज के इस वीडियो में हम लोग अर्न ब्यूरियल या फिर हाइड्रोथापिया जो वर्क है यानी कि जो एसे है थॉमस ब्राउन का उसको डिस्कस करेंगे। सो, इस वीडियो में हम लोग बस ओवरऑल व्यू देखेंगे कि एक्चुअली में जो ये एसे है हाइड्रोथापिया या फिर अर्न ब्यूरियल इसमें एक्चुअली में है क्या और इसको लिखा किसने है, इसमें इन्होंने किस थीम को दिखाया है और वो जो थॉमस ब्राउन है वो किस तरह के राइटर हैं, उनका जो वर्क होता है उसका थीम क्या होता है यही हम लोग इसमें देखेंगे। और इसका जो टाइटल है हाइड्रोथापिया इसका मतलब क्या है, जो अर्न ब्यूरियल है इसका मतलब क्या है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है वो जो पोएट है जो राइटर है थॉमस ब्राउन उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि वो कौन है और इन्होंने कौन कौन सा वर्क लिखा है। तो जो थॉमस ब्राउनी है ये एक बहुत ही जो है फेमस राइटर है इंग्लिश लैंग्वेज के और यह एक फिजिशियन भी रह चुके हैं और एक ग्रेट प्रोज राइटर भी रह चुके हैं, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 1605 से 1682 के बीच तक है। ये जो है इन्होंने बहुत सारे फील्ड में ये ऑथर रह चुके हैं, जैसे कि साइंस के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, रिलीजियन के फील्ड में। मतलब क्या कि इन्होंने साइंस रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड और धर्म से रिलेटेड बहुत सारा वर्क को लिखा है, जिसमें उन्होंने जो है इन तीनों चीज़ों के बारे में दिखाया है कि अकॉर्डिंग टू थॉमस ब्राउनिंग ये वो क्या है वो समझते हैं इन सब चीज़ों को। और इन्होंने अपने वर्क के द्वारा जो ह्यूमन का नेचर होता है उसको भी दिखाने का कोशिश किया है। इन्होंने जो है वो बहुत सारा वर्क, फेमस वर्क लिखा है जिसमें अर्न ब्यूरियल और हाइड्रोथापिया जो है वो एक फेमस वन है। जो इनका वर्क है अर्न ब्यूरियल या फिर उसको हाइड्रोथापिया भी बोलते हैं, मतलब ये इसका अर्न ब्यूरियल का जो है ना वो एक सब टाइटल है वो। तो ये जो एक ग्रेटेस्ट एसे है इंग्लिश लिटरेचर का, ये एसे में क्या दिखाया गया है तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, पहला एजुकेशन और दूसरा सेंसिबिलिटी। इन दिन दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन को ही इस अर्न ब्यूरियल में दिखाया गया है। और वो कब का है कॉम्बिनेशन, तो वो 17th century में जिस तरह का टाइम था, कॉम्बिनेशन था एजुकेशन और सेंसिबिलिटी का, उसको ही इस इससे में दिखाया गया है। जो अर्न ब्यूरियल है वो कब पब्लिश हुआ था, तो वो 1658 में पब्लिश हुआ था और किसके साथ में, तो द गार्डन ऑफ साइरस, इसी के साथ में जो है ये इससे पब्लिश हुआ था, जिसका सब टाइटल मैंने पहले ही बता दिया है क्या है, तो हाइड्रोथापिया है। और इसके अलावा भी इसका एक और सब टाइटल है जिसका नाम क्या है, और डिस्कोर्स ऑफ द सेपुलचर्स अर्न्स लेटली फाउंड इन नॉरफॉल्क, तो ये इसका सब टाइटल है। तो ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका पब्लिश ईयर और इसका सब टाइटल। ये जो एसे है हाइड्रोथापिया या फिर अर्न ब्यूरियल, इसका ये एक लास्ट पब्लिकेशन है जो थॉमस ब्राउन है उनका, ये इनके लाइफ टाइम का जो है वो लास्ट पब्लिकेशन है, जिसमें उन्होंने दो फिलोसॉफिकल जो है डिस्कोर्स को दिखाया। डिस्कोर्स मतलब होता है व्यू, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, पहला उन्होंने एजुकेशन और दूसरा जो है उन्होंने सेंसिबिलिटी, इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन इसमें दिखाया है। तो यही दो फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस है जिनको इसमें जो ऑथर है उन्होंने इस एसे में दिखाया है। इसके अलावा ये जो एसे है वो हमें क्या दिखाती है, तो ये जो ब्राउन है उनका एक इनर्मस मेमोरी, मतलब जो वास्ट उनका याददाश्त होता है उसको, और उनका जो इंटेंस इंटरेस्ट होता है, मतलब कि जो उनका रुचि होता है मानवता के विश्वास में, होप्स में, उन सब चीज़ों को ही इस एसे में दिखाया गया है। और जो उनका, मतलब जो अर्न ब्यूरियल का जो फाइनल चैप्टर है उसमें उन्होंने जो है ब्यूरियल कस्टम को दिखाया है। ब्यूरियल कस्टम मतलब क्या होता है, तो जो मरने के बाद जो दफनाने की प्रथा होती है उसको बोलते हैं ब्यूरियल कस्टम। तो उसको उन्होंने इस एसे के लास्ट चैप्टर में दिखाया है कि किस तरह से जो है ये डेथ वो तो नेचुरल है कि हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही है, तो लाइफ और लाइफ के बाद उसके बाद जो डेथ होता है वो किस तरह से उसकी सिस्टम होती है उसको इन्होंने इसमें दिखाया है। और ये जो एसे है इसमें गॉड हम लोगों को जो है वो बताते हैं कि
मतलब इसमें जो राइटर बताते हैं कि हम लोग कभी भी इमॉर्टल जो है वो नहीं हो सकते हैं, जो इंसान आया है इस धरती पर उसको एक ना एक दिन जाना ही है। अतः इस एस्से में जो है ह्यूमन बीइंग को इमॉर्टेलिटी को दिखाया गया है कि मतलब कभी भी वो जो है ह्यूमन बीइंग उसको इमॉर्टल होना ही है। और ये जो इमॉर्टल होना इंसान का, ये बस ये उनकी आशा होती है कि वो इमॉर्टल उन्हें मिले। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अर्न ब्यूरियल है वो क्या है, एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एस्से है वेस्टर्न लिटरेचर का, जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जो है इंसान किस तरह से जो है इमोर्टल होने की आशा रखता है, मतलब जो है अमरता प्रदान करने की आशा रखता है। और हालांकि वो होता भी है थ्रू द मॉन्यूमेंट्स एंड टॉम्बस्टोन, मतलब आफ्टर डेथ क्या होता है, या तो उन लोगों का मॉन्यूमेंट्स बना दिया जाता है या तो टॉम्ब का स्टॉम्ब बना दिया जाता है, तो इस तरह से उन लोगों की इमोर्टलिटी का होप रहता है। और जो है डेड बॉडीज़ का जो रिकॉर्ड है हिस्ट्री में वो डिफरेंट टाइप है, और ब्रिटेन में तो इसका डिफरेंट टाइप का जो है प्रोसेस होता है आफ्टर दैट, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स बना दिया जाता है या फिर टॉम्बस्टोन, जिसके द्वारा जो है इंसान को हमेशा के लिए मेमोरेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जो एसे है अर्न ब्यूरियल, इसमें क्या है या फिर हाइड्रोथापिया, इसमें जो है फिलोसफिकल व्यू को और मिस्टिकल व्यू को जो है ऑथर ने दिखाया है। और अकॉर्डिंग टू ऑथर के अनुसार जो मनुष्य का आशा है इमॉर्टैलिटी का, वो बिल्कुल एक मैटर बन जाता है जैसे जैसे वह इस वर्ल्ड में ग्रो करता है और वो जो है उसका समय नज़दीक आता है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने ओवरऑल व्यू देखा कि एक्चुअली में क्या है हाइड्रोथापिया या फिर अर्न ब्यूरियल में, तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं, ये सच्चाई पर हम लोग पहुँच सकते हैं कि जो ऑथर हैं थॉमस ब्राउन, इन ये जो है एक लिटरेरी आर्टिस्ट है एक फिलोसोफर से ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने अपने इससे में फिलोसफी से ज़्यादा उन्होंने एक अपना जो क्रिएशन को दिखाया है कि उनका किस तरह से जो है वो लिटरेरी क्वालिटीज़ है उसको उन्होंने दिखाया है। और यहाँ पे उन्होंने इस इससे में शॉर्ट सेंटेंस का यूज़ किया है जो कि क्लियरली आउटलाइन किया गया है और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन के द्वारा उसको उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से उसको लिखा है। और जो उन्होंने स्टाइल का यूज़ किया है इस एस्से में वो लैटिनाइज्ड है, मतलब उसमें लैटिन वर्ड्स का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो टाइटल है हाइड्रोथापिया, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसमें हाइड्रिया का क्या मतलब होता है, एक लार्ज ग्रीक पॉट, मतलब तो पता ही है आप लोगों को घड़ा होता है, और थैपस मीन्स होता है टॉम। तो लिटरली अर्न ब्यूरियल मीन्स होता है अ ब्यूरियल इन विच अ पोएट्री वेसल्स इज यूज्ड एज अ ग्रेव, मतलब जो पोएट्री का वेसल्स है, मतलब जो मिट्टी का जो घड़ा बनता है वेसल्स, जिसे फ्लावर रखा जाता है, मिट्टी का पॉट, उसको जो है वो ग्रेवयार्ड कर देना, मतलब दफना देना। बट इस एस्से में एक्चुअली में द अर्न क्या सिम्बोलाइजेस करता है, डेथ को सिम्बोलाइजेस करता है, मतलब आफ्टर लाइफ हम लोग को डेथ होना ही है और हम लोग को मिट्टी में मिलना ही है, सो ये सिम्बोलाइजेस करता है। और जो ग्रीक वर्ड है अर्न, इसको जो है किस लिए यूज़ किया गया है, तो ये क्या सिम्बोलाइज करता है, तो सिम्बल ऑफ मॉर्निंग, मतलब एक दुख को, सैडनेस को, लैमेंटेशन को इसको दिखाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये एस्से है वो टोटली आइडेंटिटी ऑफ नेचर के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे जो लोग हैं, जो ह्यूमैनिटी बीइंग है वो क्या करती है, जो ह्यूमन बीइंग है वो इमोर्टल होने की हमेशा खोज में रहती है। सो एट द एंड वी कैन से दैट दिस इज़ अ मोस्ट फेमस एस्से ऑफ थॉमस ब्राउन, और यही इसका ओवरऑल व्यू है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि इंसान को हमेशा जो है इमॉर्टलिटी की चाहत रहती है और वो हर कोशिश करता है कि वो अपने लाइफ में इमॉर्टल बने, बट ये एक्चुअली में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये नेचर का रूल है कि जो इस पे आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है। सो इसीलिए उसका जन्म के बाद मृत्यु होता है और आफ्टर द डेथ उसको क्या किया जाता है, मिट्टी में दफना दिया जाता है। द टाइटल इंडिकेट्स द डेथ ऑफ द पर्सन एट द एंड, तो यही दिखाता है टाइटल इसका, और इसमें जो राइटर है उन्होंने भी इसी थॉट को इसमें दिखाया हुआ है, जिसको ईजिली आप लोग इसका समरी जो है, मैंने ओवरऑल व्यू तो बता दिया, आप लोग समरी दे करके इसका अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों का आंसर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।